खाने से ज्यादा दुकान को सजा के रखा हुआ है। ये है मालाबार और ये काफी बड़ी शॉप बनाई हुई। अभी यहाँ पर रेट क्या चल रहा है कुवैत में? ये लेडीज के लिए जो है नेकलेस है और ये कुछ इसका डिजाइन है, देख लो भाई लोग, ये अरबिक स्टाइल का है भाई लोग। तो कितना गोल्ड लेकर के जा सकते हैं? वेलकम है गाइज आपका एक और नए व्लॉग में, और आज के व्लॉग में हम आपको दिखाने वाले हैं ढेर सारा सोना। यस गाइज, आज का जो हमारा व्लॉग है वो होने वाला है कुवैत के गोल्ड के बारे में, जिसमें हम आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पर कुवैत में अभी करंटली क्या प्राइस चल रहे हैं गोल्ड के, और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गोल्ड मार्केट और गोल्ड शॉप कैसी क्या होती है। ओके, तो चलो पहले हम आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर किसी एक गोल्ड मार्केट में, उसके बाद में फिर हम आपको लेकर के जाएंगे यहाँ पर किसी एक गोल्ड शॉप में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गोल्ड के क्या प्राइस चल रहे हैं। ओके, तो गाइज ये जो अभी मैं आपको मार्केट दिखा रहा हूँ, ये है फाहिल का अलदबूस एरिया, जो कि ये पूरा लाइन से गोल्ड मार्केट है। ऑल टोटल इसमें जो शॉप है वो पूरा का पूरा जो है गोल्ड का है। और ये जो मार्केट है ना, ये फाहिल का जो सबसे ऊंचा बिल्डिंग है ना, याल माल की ये जो बिल्डिंग है ना, सबसे ऊंची बिल्डिंग है फाहिल की, तो इसी के आसपास में ही ये जो है अलदबूस मार्केट है, जहां पर ये पूरी आपको गोल्ड मार्केट मिल जाएगी। यहां पर देखो यार कितना ज्यादा ये सजा सजा के रखा है गोल्ड शॉप को, पूरा कितना हाई लेवल का, सोने से ज्यादा दुकान को सजा के रखा हुआ है। सो ये जो जितनी भी शॉप है ना, ये इतना सजा धजा के इसलिए रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो ऑल टोटल 90% जो यहाँ पर कस्टमर आता है वो ज्यादातर कुवैती लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ पर इतना ज्यादा डेकोरेशन हाई लेवल का करके रखा है। और एक बात आपको यहाँ पर मैं और बता दूं कि यहाँ पर ये जितनी भी शॉप है, इनमें ज्यादातर ये शॉप के जो ऑनर है वो ज्यादातर ईरान के लोग होते हैं, यानी ईरानी लोग यहाँ के ये जो शॉप है इनके ऑनर होते हैं। सो सही है, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन पे। ओके, तो ये है ज्वेलकर्स, ये एक गोल्ड शॉप है यहाँ पर, ये भी काफी फेमस है मार्केट यहाँ पर। इसी के बगल में यहाँ पर एक और शॉप है जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये है मालाबार। और ये जो मालाबार है काफी पुरानी मार्केट है यहाँ पर फाहिल में। तो ये जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं मालाबार, ये कुवैत की बहुत ही फेमस गोल्ड मार्केट है, इसका आपको पूरे कुवैत में आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे। तो ये जब यहाँ पर फाहिल में ओपन हुआ था ये ब्रांच, तो इसका उद्घाटन करने के लिए बॉलीवुड की जो एक्ट्रेस है करीना कपूर, वो यहाँ पर इसका उद्घाटन करने के लिए आई थी। सो समझ लो ये कितनी बड़ी जो है ब्रांडेड शॉप है यहाँ पर फाहिल में। सो चलो चलते हैं अभी हम यहाँ से नेक्स्ट लोकेशन पे, और वहां पर हम देखते हैं और कैसी क्या मार्केट है यहाँ पर गोल्ड शॉप की। ओके, इसके अंदर गए थे, जो मालाबार है ना इसके अंदर गए थे, इसके अंदर हमने कुछ शॉट लिए, और यहाँ पर अभी भी जो है करीना कपूर का फोटो लगा हुआ है क्योंकि इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। सो चलो अभी हम यहाँ से चलते हैं दूसरी शॉप पे, जहाँ पर हमको बात करनी है गोल्ड के बारे में, जो भी डिटेल है सारी बात करेंगे हम गोल्ड के बारे में, और वो जो शॉप है यहाँ से थोड़ी दूर पर है। सो चलो चलते हैं हम और वहां पर हम आपको मिलते हैं। ओके, सो गाइज ये है सामने, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है स्मार्ट गोल्ड कंपनी करके यहाँ पर लिखा है, इस शॉप के अंदर अभी हमको जाना है। सो यहाँ पर जाने से पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि यहाँ पर एक शॉप के अंदर एक भाई जी जो काम करते हैं उनसे हमारी बात हुई थी। सो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें अवेलेबल है गोल्ड से रिलेटेड, और जो भी हमारे सवाल है उनके हम जवाब यहाँ पर हम पता करेंगे गोल्ड से रिलेटेड। ओके, ये है वो इसका कुछ बोर्ड यहाँ पर, देखो बाहर में इसका नंबर भी लिखा हुआ है और नीचे है वो गोल्ड शॉप, तो इसके अंदर अभी हम जाएंगे। ओके, सो गाइज ये है वो शॉप जहां पर अभी हम लोग अंदर में है, अंदर का ये कुछ सीन है, और ये काफी बड़ी शॉप बनाई हुई है, पूरा लाइन से वहां तक जो है शॉप बना हुआ है। यहाँ पर ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ हार टाइप के यहाँ पर लगे हैं, काफी हल्के भारी, काफी भारी भारी टाइप में यहाँ पर जो है हार लगे हुए, और नीचे यहाँ पर जो है ये है कंगन वाला एरिया, जो कि यहाँ पर पूरा हर मॉडल का हर डिजाइन का यहाँ पर कंगन लगा हुआ है। सो ये है हमारे अंसारी भाई, इनका अंसारी नाम, अभी मैंने इनसे पूछा था, तो इनसे हम थोड़ा सा बात करते हैं सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में, जो एक आम आप लोगों के मन में और मेरे मन में जो आम तौर पर जो क्वेश्चन आता है वो हम इनसे कुछ बात करते हैं, क्योंकि इनसे ज़्यादा अच्छी तरीके से हमको जवाब मिल पाएगा। तो अंसारी भाई हमको ये बताइए कि यहाँ से कुवैत से अगर हम आप गोल्ड लेकर के जाना चाहें तो कितना गोल्ड लेकर के जा सकते हैं? आपको जो ऑर्नामेंट्स कम से कम 40 ग्राम 50 ग्राम तक लेके जा सकते हैं, बिस्किट थोड़ा मुश्किल है।
फोर्टी लेकिन ग्राम तो आपको हाँ इंडिया से भी ना बेटर प्राइस इधर मिलेंगे, एक तोले के ऊपर कम से कम 6,000 रुपीज कम रहेगा इधर, और प्योरिटी भी अच्छा मिलेंगे, सब यहाँ मिलेंगे का सब। गोल्ड जो है वो प्योर रहता है इंडिया के मुकाबले, है ना? हाँ श्योर श्योर, उसमें तो नो डाउट है, सब में स्टाम्प रहता है ना। मतलब 40 ग्राम, मुझसे कई लोगों ने पूछा था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर जब भी हम गोल्ड शॉप में जाएंगे तो ये हम जो डाउट है क्लियर करेंगे। तो आपने बताया कि 40 ग्राम तक यहाँ से कोच से बॉटल हम, में से लेके जा सकते हैं, कभी कभी निकल जाते हैं, हाँ नसीब के ऊपर है, हाँ 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 सच बोल रहा है। यहाँ पर ये बताइए कि ये जो गोल्ड आता है ये कुवैत का ही गोल्ड है या कहीं और से नहीं, आता है? सिंगापुर से भी आता है, दुबई का भी आता है, कुवैत का भी बना, अच्छा, सिंगापुर और दुबई और कुवैत कुवैत का। का भी बना। अभी यहाँ पर रेट क्या चल रहा है कुवैत में 19 KD 250 पर ग्राम पर विदाउट ग्राम, मेकिंग, 1 ग्राम का 19 KD 19 KD 250 रेट है। टू फिफ्टी फिल्स हाँ ओके, तो 19 KD 250 वो तो फिल्स यहाँ चेंज पर। होते रहते हैं, हाँ यहाँ पर जो है डेली जो है यहाँ पर वो जो रेट है वो डेली वो लाइव, इंटरनेशनल लेवल पे तो अप एंड डाउन होते रहते, कभी कल बढ़ेगा कल कम भी हो हाँ सकते हैं। सेम टू सेम करेंसी के हाँ जैसा। होगा, सो यहाँ पर जो रेट है ना वो करेंसी जैसी रहते ना अप एंड डाउन होता है, वैसे ही गोल्ड का भी रेट जो है मार्केट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। अच्छा, इसमें जो डिस्काउंट रहता है तो डिस्काउंट जिसे जो गोल्ड का जो रेट है वो तो जो चल रहा है वही देंगे, है ना? उसमें कुछ कम एक ही ज्यादा में नहीं। कम करके दे। सो अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज बता दूं कि हमारे अंसारी भाई जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलता है वो गोल्ड जो रेट रहता है उसमें कुछ भी जो है डिस्काउंट नहीं मिलता है, यहाँ पर जो मेकिंग चार्जेस होते हैं उसमें जो है डिस्काउंट मिलता है। सो उम्मीद है आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर तो वो लाइन है कंगन का, यहाँ पर ये ब्रेसलेट टाइप का हल्के ब्रेसलेट है, और यहाँ पर ये मोटी मोटी जो है ब्रेसलेट लगे हुए पूरे, और ये ऑल टोटल जो है गोल्ड है। यहाँ पर ये एरिया देखो पूरा जो है ये अंगूठी वाला सेक्शन है जहाँ पर पूरा ऑल टोटल अंगूठी लगा हुआ है, और ये साइड में जब आएंगे तो यहाँ पर जो है हार लगे हुए हैं, और ये नीचे साइड में यहाँ पर अंगूठी लगी है हर तरह की हर डिज़ाइन की। ये लेडीज़ के लिए जो है नेकलेस है, और ये पूरा जो है नेकलेस ही लगा है, हल्का भारी हर टाइप का यहाँ पर जो है नेकलेस लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पर ये अंसारी भाई दिखा रहे हैं, तो इनके अलग अलग ग्राम के हिसाब से ग्राम के प्राइस हिसाब रहेंगे। से, हाँ 1 ग्राम 10 ग्राम हाँ बेटर जितना होता है। ग्राम का रहेगा हाँ उतना वही हिसाब से इसका रेट मिलेगा। हाँ वो तो है, कितने कितने ग्राम का रहेंगे? 10 ग्राम 1 ग्राम ये जो मोहर लगे स्लिप लगा हुआ इसमें जो है सब वेट। में जो है वेट कितने ग्राम का है सब जो है इसमें डिटेल लिखा रहता है। सो भाई लोग यहाँ पर ये देखो डिस्प्ले लगी हुई है जिसमें यहाँ पर अलग अलग जो भी रेट हैं वो यहाँ पर जो है अपडेट होते रहते हैं लाइव। तो यहाँ पर ये जो 22 कैरेट का है ना उसका यहाँ पर जो रेट चल रहा है वो 19.250 फिल्स, यानी 19 दिनार 250 फिल्स में जो है इसका रेट लगा हुआ है। और इसके ऊपर जब जाएंगे 24 कैरेट का जो गोल्ड है उसका जो रेट है वो है 20 KD 350 फिल्स। सो इस हिसाब से यहाँ पर जो है जो रेट है वो अप एंड डाउन जो है होते रहते हैं। अच्छा, अभी ये कितना तोला तक होगा, तोला या ग्राम में कितने में होगा ये? ये तो आपको 10 ग्राम के ऊपर है सब, 10 ग्राम के ऊपर 10 ग्राम के ऊपर, एक चैन। सबका नीचे नहीं है। हाँ ये वाला 10 ग्राम भाई लोग ये बोल रहे हैं 10 ग्राम के ऊपर ये एक चैन रहेगा, 10 ग्राम के ये नीचे नीचे, कोई भी चैन नहीं है। और ये वाला अरे लो आपको 7 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम, 7 ग्राम के ऊपर है, 6 ग्राम के ऊपर ही मिलते हैं। और ये बोल रहे हैं भाई हमारे दादा बोल रहे हैं कि ये जो है 10 ग्राम के नीचे रहेगा ना ऊपर ऊपर, हाँ ये भी 10 ग्राम के ऊपर चैन 8 ग्राम भी रहेगा। मिलते हैं, सात हाँ ग्राम भी मिलते हैं इसमें, और ये कुछ इसका डिजाइन है देख लो भाई लोग, इसका ये पास से मैं अच्छा आपको डिजाइन दिखा दे रहा हूँ है जो सबसे ज्यादा चल रहा इसका है, डिजाइन ये देखें, बेनी चेन से आए। ये इसका डिजाइन भाई लोग ये 10 ग्राम के लेकिन ऊपर ये रहेगा, ये कुछ इसका ऐसा ये भी डिजाइन। आपको सिंगापुर जो आता है 10 ग्राम का होता है, हाँ ये सिंगापुर का है, सिंगापुर का है ये सिंगापुर का चैन से भाई लोग, ये दुबई का और सिंगापुर का भाई लोग हैं चैन बोले, ये 3.5-4 ग्राम का है ना, 3.5 और 4 ग्राम तक का ये चैन है, हल्का चैन है, इसमें कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये दादा बोल रहे कि नॉर्मली ये जो चैन है ये छोटा चैन हल्का चैन यहाँ पर मिल जाएगा, नॉर्मली ये दूसरी दुकानों में नहीं मिलता है। ओके भाई लोग, तो ये हमारे जो अंसारी भाई हैं इनसे हम थोड़ा ये जो कंगन यहाँ पर लगे हुए कंगन वाला ये सेक्शन है तो यहाँ पर जो इनके हिसाब से अच्छा डिज़ाइन है
अंसारी भाई, जो अच्छे अच्छे यहाँ पर जो डिजाइन है वो हमको आप थोड़ा दिखाए, जो जिसको पसंद अच्छा हो। ब्रॉड भी है, 14-15 ग्राम तक ईच बैंगल आएगा। हाँ, कलेक्शन भी अच्छा है, नया एकदम नया मॉडल है। ये कितना कितना ग्राम तक का होगा? 14-15 ग्राम ईच बैंगल आए, ये 14-15 ग्राम तक का चौदह होगा इसका चौदह भी कुछ। है। यहाँ पर जो है ये ऐसा डिजाइन है यहाँ पर, ये कंगन का, ये अरबिक स्टाइल का है भाई लोग। तो ये भाई लोग बोल रहे हैं हमारे अंसारी भाई कि ये जो है अरबिक स्टाइल का जो है ये कंगन है, और 22 ग्राम के ऊपर तक का ये जो है इसका वेट आएगा। तो भाई लोग ये जो अभी पूरी मैं आपको गली जो दिखा है रहा हूँ, ये जो है गोल्ड के अंदर जो है ये कंगन में जो लग रहा ना डायमंड टाइप का, ये डायमंड नहीं, ये कोटिंग किया हुआ है, मतलब इसके अंदर रोड जो है, है ना वो गोल्ड ही है। गोल्ड का रोड है डिजाइन यार पूरा, काफी अच्छा है, देखो अच्छा डिजाइन जो है। रीसेल वैल्यू है ना सेम रहेगा उसमें, एक मिली भी हाँ कम नहीं करेंगे। तो देख लो भाई लोग, यहाँ पर कुछ इस तरीके के यहाँ पर डिजाइन अवेलेबल हैं। ओके सो भाई लोग, अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर। ये जो शॉप है, ये शॉप का जो व्यू है, नंबर जो है वो मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, और यहाँ से चलते हैं अभी हम बाहर। अंसारी भाई जो हमारे हैं इनको हम करते हैं बाय बाय और चलते हैं बाहर। ओके ओके अंसारी भाई चलते हैं। ओके, आते रहो इधर। हाँ स्मार्ट गोल्ड ज्वेलरी जो हाईवे के हाँ बगल में, हाईवे सुपर मार्केट है उसके बगल में ही है, जो एकदम अच्छा मेकिंग जार भी देगा, कोई टेंशन नहीं। तो इसकी जो ना लोकेशन है ये बता रहे हैं कि मेरा फाहिल फीलिंग में जो हाईवे है उसके बगल में ये शॉप बना है। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ओके सो ये है वो शॉप का बाहर का हिस्सा। यहाँ पर ये देखो ऊपर में इसका नंबर भी लिखा हुआ है, जिसको डायल करके इनसे जो भी आपको गोल्ड के बारे में डिटेल चाहिए वो आप इनसे बात करके ले सकते हैं। ओके और ये अंदर वो शॉप है जहाँ पर अभी हम गए हुए थे। ये इनका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ जिसमें लिखा हुआ स्मार्ट गोल्ड कंपनी। ओके सो गाइज, आज का जो व्लॉग है इसको अब हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना मेरे इस वीडियो का। अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर जब आप दिखाएंगे तो वो आपको डिस्काउंट देंगे। ओके और उम्मीद है आज के व्लॉग में गोल्ड से रिलेटेड आपका जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सवाल बचा आपके माइंड में, कोई भी डाउट है, तो आप यहाँ पर ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया था इस पर आप कॉल करके इनसे डिटेल ले सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है या आपको यहाँ से सोना लेना है, गोल्ड लेना है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है आपके माइंड में वो आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके सो चलो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके सो तब तक के लिए बाय बाय। A 5 moment before. सो उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और गोल्ड से जो भी आपका क्वेश्चन या और इस और यहाँ से अगर अगर और यहाँ से मेरे वीडियो का जो स्क्रीनशॉट आप दिखाएंगे ना, तो उसको देखकर आपको ये अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मेरे मेरे इस व्लॉग का, मेरे इस वीडियो का अगर आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो, और सात बार बोल रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो।